नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस के टूलकिट विवाद में अब ट्विटर भी कूद आया है और उसने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के ओरिजिनल ट्वीट यानी 18 मई के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। यानी कि इसका मतलब ये कि इसके फाइल में हेर फेर की गई है। ये काम कभी कहते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था, तब ट्विटर ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। फिलहाल तो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख करके उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे में आपके अकाउंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये कार्रवाई जो है ट्विटर की तरफ से की गई है। अब चलते हैं बैकग्राउंड में कि हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि 18 मई को संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया जिसके साथ एक टूल किट भी था और उसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया कि महामारी के दौर में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को टार्निश करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये ऐसे ऐसे टूल किट बनाया है और उसमें एक सौम्या वर्मा का नाम उभर करके आया था। वो सौम्या वर्मा जिनको कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ दिखाया गया और समित पात्रा ने ये आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, कि कांग्रेस जो है ये काम कर रही है इस पैंडमिक कोरोना के दौर में। कांग्रेस ने इसका जोरदार ढंग से खंडन किया और साथ में ये भी कहा कि जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ हम FIR कराएंगे। कहते हैं कि मामला कोर्ट में भी दस्तक दे चुका है। जितनी जोरदार ढंग से कांग्रेस ने खंडन इसका किया था और बीजेपी पे पलटवार किया था, उससे लग रहा था कि कहीं कांग्रेस इस मामले में कांग्रेस की बातों में दम है, उसकी तरफ से ऐसा शायद कोई टूल किट नहीं तैयार किया गया जैसा कि उसने दावा किया। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि सियासत में ऐसा होता है, जो नहीं होता है उसको भी होता हुआ दिखा करके आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और फिर आम आदमी को समझ में नहीं आता है कौन सही है कौन गलत है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि इसी बीच में ट्विटर की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया लिख करके उस ट्वीट के नीचे आ रहा है, आप तस्वीरों में देखेंगे। अब कांग्रेस को वार करने का मौका मिल गया है कि अभी तक हम जो कह रहे थे कि ये मैनिपुलेटेड है, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है, जो लोगो लगाया गया है या जो फाइल बनाई गई है उसमें छेड़छाड़ की गई है, तो ये छेड़छाड़ किसने की, क्या इस मामले में अभी ये राजनीति होगी या यदि कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ से जांच का आदेश होगा। दोनों दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि फिलहाल संबित पात्रा घिरे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्विटर को जो एक प्लेटफॉर्म है वो यदि इसमें आ रहा है बीच में कि ये मैनिपुलेटेड है, तो निश्चित रूप से संबित पात्रा का पलड़ा जो है एकदम हल्का हो गया है, जमीन पर आ गया है और कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया है कि जो हम कह रहे थे वही बात सच निकली। अब देखना यह है कि संबित पात्रा और बीजेपी इसमें कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि एक टूल किट का विवाद आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान उभरा था, जिसमें कि कई सेलिब्रिटी जो है घेरे में आ गई थी और उसको लेकर के FIR भी हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी। तब से यह टूल किट जो वर्ड है वो जो है खासा चर्चित हो गया था आम लोगों के बीच में और अब जो है पैंडमिक के दौर में संबित पात्रा इस टूल किट को लेकर के आए थे और कांग्रेस पर सीधे आरोप जड़ दिया था। कांग्रेस के खंडन के बाद जब ट्विटर ने जो कदम उठाया है उससे जो है कांग्रेस की बातों को बल मिल गया है। इंतजार रहेगा कि इस पे दोनों दल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।